कोरोना वायरस को लेकर संभल जिले में भी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई सूची के अनुसार 5 लोग सामने आए हैं जो संभल जिले के हैं और हाल ही में चाइना से लौटे हैं। फिलहाल इन सभी लोगों की जांच के साथ निगरानी रखी जा रही है। चाइना में इन दोनों कोरोना वायरस फैलने से सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और काफी लोग इसके संपर्क में आने से संक्रामित हैं। वहीं चाइना में कोरोना वायरस फैलने से भारत सरकार ने देश में अलर्ट जारी कर दिया है और चाइना से भारत आने वाले हर एक व्यक्ति की निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को मिली जानकारी के अनुसार संभल जिले के 5 लोग हैं जो चाइना से भारत लौटे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जांच के आधार पर देखा जा रहा है कि इन सभी लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक किसी में कोरोना वायरस जैसे कोई भी लक्षण नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर इन सभी लोगों की निगरानी रखी जा रही है। CMO डॉक्टर अमिता सिंह के अनुसार उन्हें भारत सरकार से 3 लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो संभल जिले के हैं, लेकिन फिलहाल तीनों लोग संभल जिले में नहीं है और किसी भी कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि एहतियात के तौर पर इन सभी लोगों की निगरानी रखी जा रही है और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहाँ संक्रामित रोगों से ग्रस्त रोगियों को रखा जा सके। कोरोना वायरस का प्रकोप चाइना में ज़्यादा है, जैसा आप लोग जानते हैं। तो चाइना से आने वाली फ्लाइट पर निगरानी रखी जा रही है और वहीं से पेशेंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। उनके नाम पता लेकर संबंधित जिले के CMO को सूचना दी जाती है। अगर उनमें सिम्टम्स हैं तो उनका इलाज उस तरीके से वहीं किया जाता है, वरना 14 दिन तक उनको निगरानी में रखा जाता है। अच्छा, संभल जिले के कितने लोग आए हैं चाइना से? पता चला है कि 5 लोग चाइना से हाल ही में संभल जिले में आए हैं। इनकी सूचना CMO को दे दी गई है और उनको उनके नाम पते के घर के आधार पर उनकी निगरानी रखी जा रही है। तो क्या वो जो 5 लोग बता रहे हैं आप, तो क्या उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली कि वो लोग कहाँ के हैं और क्या उनके लिए किया जा रहा है, क्या सुविधा दी जा रही है? ये जानकारी CMO से ही मिल सकती है। अच्छा, यहाँ जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड वगैरह ही बनाए गए क्या? हाँ, हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है। कितने बेड का है? 8 बेड का हॉस्पिटल। अच्छा, तो कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या जैसे क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, उसके लिए थोड़ा जानकारी दीजिए। पेशेंट के सिम्टम्स नॉर्मल जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के वायरस के होते हैं, जुकाम वगैरह, नज़ला, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, मुख्यतः ये सिम्टम्स हैं। ऐसे केस को संदिग्ध मानते हुए उसकी जांच कराई जाती है और उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। घर वालों को नॉर्मल मास्क जो होता है वो दिया जाता है, तीमारदारों को वही दिया जाता है और पेशेंट को खासतौर से N95 एक मास्क होता है वो पहनने को दिया जाता है। के बारे में आप सबको जानकारी लेनी चाहिए, आप बता सकते हैं? हाँ, कोरोना वायरस से जो लक्षण पैदा होते हैं वो फ्लू जैसे लक्षण होते हैं और इसमें चीन में काफ़ी इसका संक्रमण है और भारत सरकार की तरफ से लगातार इसके बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स को भी और आम जनता को भी हम बताएंगे इसके बारे में। और इसमें ये है कि कोरोना वायरस में जो लक्षण होते हैं संक्रमण में वो फ्लू जैसे होते हैं। तो जो भी व्यक्ति भारत में 15 जनवरी तक रहने के बाद इधर भारत लौटे हैं तो उनको जो है 14 दिन तक उनको कहीं उनको पहली बार तो उन्हें एयरपोर्ट पे ही उनकी स्क्रीनिंग हो जा रही है और उसके बाद जैसे वो अपने संबंधित जिले में जा रहे हैं तो उनको 14 दिन तक उनको आइसोलेशन में रखना होता है और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। और अगर उनमें कोई संक्रमण के निशान पाए जाते हैं जैसे कफ, कोल्ड या सांस लेने में दिक्कत तो फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है और वैसे उनको पूरा 28 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। और घर में भी जैसे वो रहते हैं तो उनको अलग कमरे में रखा जाएगा और वो अपना एक 3-लेयर्ड मास्क पहनेंगे, घर के लोगों से कम संपर्क में रहेंगे। और उसमें आम जनता को ये बताना है कि जैसे कोई इस तरह का जुकाम का, खांसी का व्यक्ति उनके संपर्क में आता है
तो उससे कम से कम बातचीत करते में एक हाथ से ज्यादा की दूरी बना के रखें, एक हाथ से ज्यादा की दूरी बना के रखें और संभव हो सके तो एक मीटर। और पर्सनल हाइजीन पे जो वहाँ से चाइना से लोग लौटे हैं वो भी अपनी ध्यान दें और घर के व्यक्ति भी। तो उसमें ये है कि जैसे आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो उसके बाद आप हाथ धोएं और खांसते छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें। उसके अलावा खाना खाने से पहले आप साबुन से ज़रूर हाथ धोएं, खाना बनाने से पहले साबुन से हाथ धोएं, शौच के बाद ज़रूर साबुन से हाथ धोएं। और जो इस तरह से चाइना से व्यक्ति लौटे हैं 15 जनवरी के बाद से, तो उनको जो है घर में ही ऑब्जर्वेशन पे रखा जाएगा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उनका डेली ऑब्जर्वेशन करेंगी। संभल के कितने लोग हैं जो चाइना यात्रा से लौटे हैं? फिलहाल तो हमारे पास भारत सरकार द्वारा भेजी हुई 3 व्यक्तियों की लिस्ट है। ठीक।